बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी बुक सॉल्यूशन चैप्टर 7 ओ सदानीरा सब्जेक्टिव पाठ 7 शीर्षक ओ सदानीरा लेखक जगदीश चंद्र माथुर जन्म 16 जुलाई 1917 मृत्यु 14 मई 1978 निवास स्थान शाहजहां उत्तर प्रदेश प्रश्न 1 पुंडलिक जी कौन थे उत्तर पुंडलिक जी भीतरवा आश्रम विद्यालय के एक शिक्षक थे पुंडलिक जी ने गांधी जी से निर्भीकता भी सीखी थी उन्होंने गांव वालों को उसी निर्भीकता का पाठ पढ़ाए थे और पुंडलिक जी एक निर्भीक व्यक्ति एक आदर्श शिक्षक और एक समाज सुधारक व्यक्ति थे प्रश्न 2 गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली उत्तर दक्षिण बिहार के बागी विचारों का असर चंपारण में देर से पहुंचे इसलिए गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी प्रश्न 3 धागर शब्द का क्या आशय है उत्तर धाग शब्द का अर्थ ओरावा भाषा में है जिसका अर्थ होता है भाड़े का मजदूर धागड़े का आदिवासी जाति है जिसे 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती के सिलसिले में दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से चंपारण के इलाके में लाया गया था धागर जाति आदिवासी जातियों उराव मुंडा लोहार इत्यादि के वंशज हैं, लेकिन ये अपने आप को आदिवासी नहीं मानते हैं। ये बहुत ही मेहनती और बलशाली होते हैं। ये भोजपुरिया मदेसी भाषा में बात करते हैं। इनका जीवन बेहद खुशी पूर्वक बीतता है स्त्री तथा पुरुष ढलती शाम के मन प्रकाश में सामूहिक नृत्य करते हैं अतः नृत्य इन लोगों का अत्यंत मनमोहक होता है प्रश्न 4 चंपारण क्षेत्र में बाढ़ के क्या कारण है उत्तर चंपारण में बाढ़ का प्रमुख कारण जंगल की कटाई है यहाँ बहने वाली मसान से सिकरहना गंडक नदियों के तट पर विशाल वन क्षेत्र भरे पड़े थे यह वनों को मनुष्यों ने अपनी भोग विलास वसुंधरा के लिए काटना शुरू किया जिसके कारण बाढ़ का प्रकोप बढ़ता चला गया प्रश्न 5 थारुओं की कला के परिचय पाठ के आधार पर दे उत्तर थारुओं की कला एक अनुपम है कला उनकी जिंदगी का अंग है धान पात्र सिक्का बनाया जाता है तथा आकर्षण रंगों और डिजाइनों में से रंगा जाता सिख और मुझ से घरेलू उपयोगिता के बनाने में उनको कोई परेशानी नहीं है उनके घर सामानों में उनकी कला की झलक मिलती है प्रश्न 6 ओ सदानीरा पाठ का सारांश लिखिए उत्तर जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित ओ सदानीरा निबंध के माध्यम से गंडक नदी को निर्मित बनाकर उसके किनारों की संस्कृति और जीवन प्रवाह की झांकी पेश करते हैं कवि गंडक नदी की प्रवाह की चर्चा करते हैं सर्वप्रथम चंपारण क्षेत्र की प्राकृतिक वातावरण का वर्णन करते हुए कि एक एक अंक का मनोहारी अंकन करते हैं कवि बता रहे हैं कि बिहार के चंपारण जिले में गंडक नदी पहाड़ों से नीचे उतरती हुई चंपारण क्षेत्र में प्रवेश करती है उसके किनारे चंपारण की जंगले है जंगलों से होती हुई सदानीरा नदी बहती हुई आगे बढ़ती है नदियों के किनारे विभिन्न प्रकार के मंदिर तथा त्रिशियों का आश्रम है इस नदी के किनारे विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां वासी है जब भादों के महीना में बाढ़ आता है तो लगता है कि नदियां तांडव मचा रही है यह नदी पुण्य योग्य है इस नदी के किनारे विभिन्न प्रकार की फसलें उपजाई जाती है इस नदी के किनारे के जंगलों को कटाई करने के कारण ही बढ़ाती है इस नदी में मानव पूजा पाठ के सामग्री को डालकर प्रदूषित कर रहा है
बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी बुक सॉल्यूशन चैप्टर 7 ओ सदानीरा ऑब्जेक्टिव पार्ट 7 शीर्षक ओ सदानीरा लेखक जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न 1, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ? उत्तर 16 जुलाई 1917 को। प्रश्न 2, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। प्रश्न 3, जगदीश चंद्र माथुर की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर 14 मई 1978 में। प्रश्न 4, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? उत्तर ओ सदानीरा। प्रश्न 5, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? उत्तर निबंध। प्रश्न 6, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या है? उत्तर नाटककार। प्रश्न 7, ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति और लिखी गई है? उत्तर चंपारण। प्रश्न 8, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? उत्तर जंगलों का काटना। प्रश्न 9, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? उत्तर बिहार। प्रश्न 10.12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? उत्तर कर्नाटक वंश। प्रश्न 11, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? उत्तर नील। प्रश्न 12, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा? उत्तर 1325 में। प्रश्न 13, धान लो को नील की खेती के सिलसिले में कौन लाया गया? उत्तर 18वीं शताब्दी। प्रश्न 14, पुंडलिक जी कौन थे? उत्तर शिक्षक। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? उत्तर कोणार्क। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? उत्तर विद्यावारिधि। प्रश्न 17, माथुर जी को मितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? उत्तर पुंडलिक जी। प्रश्न 18, पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? उत्तर गांधी जी से। प्रश्न 19, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? उत्तर गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न 20, चंपारण में धागे कहाँ से आए? उत्तर छोटा नागपुर। प्रश्न 21, गांधी जी चंपारण में कब आए? उत्तर अप्रैल 1917 में। प्रश्न 22, तीन कठिया प्रथा का संबंध है? उत्तर नील से। प्रश्न 23, पंडई नदी कहाँ तक जाती है? उत्तर भिखनाथोरी। प्रश्न 24, बराज कहाँ बन रहा था? उत्तर भैंसा लोटन में। प्रश्न 25, आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? उत्तर अम्रकानन। प्रश्न 26, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? उत्तर एक महुए के पेड़ के नीचे। प्रश्न 27, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया? उत्तर जगदीश चंद्र माथुर ने। प्रश्न 28, कौन सी कृति माथुर जी की है? उत्तर भोर का तारा। प्रश्न 29, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? उत्तर रेशमी डाई। प्रश्न 30, मोलते शरण की साहित्य विद्या की कृति है? उत्तर निबंध। प्रश्न 31, वोल सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? उत्तर गंडक। प्रश्न 32,
धारण शब्द किस शब्द से विकसित है? उत्तर थार। प्रश्न 33। बिहार के सुप्रसिद्ध संस्कृति उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? उत्तर जगदीश चंद्र माथुर ने। प्रश्न 34। गौतम बुद्ध का और अभिभारव कब हुआ था? उत्तर 2500 वर्ष पहले। प्रश्न 35। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? उत्तर गयासुद्दीन तुगलक का। प्रश्न 36। ओ सदानीरा के लेखक है? उत्तर जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न 37। कौनौप के नाटककार कौन है? उत्तर जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न 38। 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? उत्तर जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न 39। कामिनी तो अपने साथ क्या चीज की शांति लाती है? उत्तर यामिनी। प्रश्न 40। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? उत्तर निबंध। प्रश्न 41। वैशाली में किन का जन्म हुआ था? उत्तर महात्मा बुद्ध। प्रश्न 42। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष की चर्चा आई है? उत्तर महात्मा गांधी। प्रश्न 43। माथुर की कृतियों के नाम बताएं। उत्तर भोर का तारा, ओ मेरे सपने, कोणार्क, बंदी, शारदिया इत्यादि। प्रश्न 44। ओ सदानीरा निबंध के संग्रह से उद्धृत है? उत्तर बोलते क्षण। प्रश्न 45। माथुर जी की प्रथम रचना किस विद्या से संबंध रखती है? उत्तर एकांकी मेरी बांसुरी 1936 में। प्रश्न 46। जगदीश चंद्र माथुर जी की दो पुतलियां नाटक कौन कौन से थे? उत्तर 10 तस्वीरें पवार जिन्होंने जी ना जाना। प्रश्न 47। माथुर जी किस विद्यालय से MA कीजिए? उत्तर इलाहाबाद विश्वविद्यालय। प्रश्न 48। माथुर जी ने कब ICS परीक्षा उत्तीर्ण किए? उत्तर 1941 में। प्रश्न 49। माथुर जी ऑल इंडिया रेडियो में क्या रहे? उत्तर महानिर्देशक। प्रश्न 50। माथुर जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर विद्यावारिधि की उपाधि से विभूषित कालिदास अवार्ड और बिहार राज्य भाषा पुरस्कार से सम्मानित किए गए। प्रश्न 51। गंडक नदी के किनारे कौन कौन से ब्रोत स्थल है? उत्तर कुशीनगर, लोरिया, नंदनगढ़, अरेराज, केसरिया, वैशाली, चानकीगढ़। प्रश्न 52। गंडक नदी को किस नदी के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर नारायणी। प्रश्न 53। कोसीनगर किस जिले में स्थित है? उत्तर गोरखपुर। प्रश्न 54। ओ सदानीरा, बिहार के किस भूभाग संस्कृति का वर्णन है? उत्तर चंपारण। प्रश्न 55। मितिहारवा के अध्यक्ष कौन कौन थे? उत्तर वयोवृद्ध डॉक्टर देव सोमन। प्रश्न 56। बिहार का कौन सा विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य की अभूतपूर्व कृति है? उत्तर नंदगढ़। प्रश्न 57। धागर शब्द का अर्थ किस भाषा में है? उत्तर ओराव। प्रश्न 58। सन 62 की बाढ़ की दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें की क्रोध रूपी नदी की बाढ़ की याद आई होगी? उत्तर रामचरितमानस में कैकेयी के क्रोध रूपी। प्रश्न 59। मितिहारवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक कौन थे? उत्तर पुंडलिक जी।